नहीं, मैं अपने बेटों को सौतेले रिश्ते की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अपना बाप अपना होता। सौतेली माँ सगी माँ बन सकती है, मगर सौतेला बाप हमेशा सौतेला ही रहता है। लेकिन जब मैं फातिमा को सगी माँ से बढ़कर चाहूंगी, तो फिर वलीद भी मेरे बेटों की सरपरस्ती नहीं कबूल करेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान है, राहील और दानियाल से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता और मैं राहील और दानियाल को किसी और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। मैं इनकार कर दूंगी। दानियाल बेटा, होमवर्क जल्दी से खत्म करके सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है, ये पेज करके सो रहा। हाँ, जल्दी सो जाना। मैं जाके जरा राहिल के कपड़े इस्त्री करती हूँ। सो जाओ, फिर सुबह नीचे उठ सकोगे तुम। ठीक है अम्मी। खबरदार, शोर मत मचाना। कौन? सब पता चल जाएगा। जितना भी पैसा है सब निकालो। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब चाहे तो तलाशी ले लें। झूठ मत बोलो। जितना भी पैसा है सब निकालो। देखिए भाई, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास जेवर। झूठ मत बोलो। जितने भी पैसे हैं सब निकालो। भाई नहीं, दरवाजा नहीं तो तोड़ दूंगा। क्या हुआ अम्मी? ज्यादा शरीफजादी बनी फिरती हो। खोलो दरवाजा। जब तू बाहर निकलेगी तो तेरे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा और तेरे बेटों को अगवा करवाऊंगा। खोलो दरवाजा। हेलो शगुफ्ता, मैं हूँ। मेरे घर कोई घुसा, मेरे बच्चे खतरे में। प्लीज जल्दी आ जाओ, भाई साहब को उठा लो और मोहल्ले वालों को भी बता दो प्लीज। अम्मी, हमारे घर चोर आया है मेरा। चुप बोलना नहीं है कुछ। खोलो दरवाजा नहीं तो तोड़ दूंगा। तुम चले जाओ, मैंने मोहल्ले वालों को बता दे, वो अभी आते होंगे। छोड़ूंगा नहीं तुझे उस्तानी। अल्लाह मेरी मदद कर। Ya Rabbi, ya Rabbi.